अपन बोलते हैं 20 वाट का बल्ब पे, 60 वाट का बल्ब पे, वो क्या होता है, वो वाट ही है। ठीक है, अगर तुमको किसी ने भी पूछ लिया 1 किलो वाट मतलब कितने जूल, एक तो ये लिखो तो भी चलेगा, नहीं तो ये लिखो तो भी चलेगा, हाथ पे लिख के जाने का नहीं, हाथ पे लिखने वाला किस्सा अलग है। वर्क का यूनिट, किसी ने भी नींद में से उठा के बता भाई वर्क का यूनिट क्या है, तो आप लोग को मालूम होगा जूल है, जूल को अपन जे से डिनोट करते हैं, जे फॉर जोकर नहीं बोलने का, इसके आगे जे फॉर जूल बोलने का। हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चे लोग, हमने 9th स्टैंडर्ड का 2nd चैप्टर वर्क और एनर्जी अपन स्टार्ट किया था, तो ये सच में इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये ज्यादा बड़ा पार्ट भी नहीं होगा, बहुत कम इसमें अपन ये चैप्टर खत्म कर देंगे। लास्ट लेक्चर में बच्चे लोग अपने फ्री फॉल के बारे में पढ़ा था, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, उसके ऊपर जो डेरिवेशन हमने देखे थे बच्चे लोग, वो एग्जाम में जरूर आते हैं, वो एक बार तुम जाके देख लो। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में अपन देखने वाले पावर के बारे में। ठीक है, कि असल में पावर क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, वर्क क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, ये सारे चीजें अपन आज के टॉपिक में देखने वाले हैं। बच्चे लोग, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूँ मैं तुमको, कि हमारा एक ऑफिशियल मोबाइल ऐप ज्ञान सागर एकेडमी के नाम से है। आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, ज्ञान सागर एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चे लोग। वहां पर आप जाओ, वहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, क्विज मिल जाएंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और ये सारे के पार्ट्स के हमने एक्सपेरिमेंट्स भी वहां पर शूट करके डाल दिए बच्चे लोग। ठीक है, तो सारा चीजें कंपाइल करके हमने आपको एक सिंगल ऐप में दिए, तो आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है बच्चे लोग मैंने आप लोगों के, और क्या चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से जाओ और सारे वीडियोस वगैरह सब देखो, पूरा फाड़ दो ऐप खोल के एक बार। ठीक है, तो चलो बच्चों आज देख लेते हैं कि पावर क्या होता है। पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। क्या होता है पावर, किसने पूछ लिया, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन, तो इसको मैं बोल देता हूँ, ये इसका डेफिनेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, डैश इज द रेट एट विच वर्क इज डन, तो ऐसे भी आ सकता है, तो ये ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मतलब ये सेंटेंस का मतलब क्या होता है बता देता हूँ, जिसके पास जितनी पावर है उतना वो काम कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया, जिसके पास जितनी पावर है उतना वो काम कर सकता है, उतना वो वर्क कर सकता है। ठीक है, अब पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम, ध्यान में रखो, पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क को मैं डब्ल्यू से भी डिनोट कर सकता हूँ, टाइम को मैं टी से भी डिनोट कर सकता हूँ, और पावर को मैं पी से भी डिनोट कर सकता हूँ। तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए अपने को लगने वाला है। क्या है फॉर्मूला पावर का, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। समझ में आ गया बात, ओके। अब बच्चे लोग पावर का यूनिट छोड़ दो, वर्क का यूनिट क्या है बताओ। ठीक है, वर्क का यूनिट क्या है, ठीक है, वर्क का यूनिट क्या, अपन ने देखा था लास्ट इसमें वर्क का यूनिट क्या होता है वो। ठीक है, वर्क का यूनिट क्या होता है, देखो जूल, वर्क का यूनिट क्या होता है बच्चे लोग, जूल होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखने का, वर्क का यूनिट क्या होता है बच्चे लोग, जूल होता है। ठीक है, और 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, इसको अपन 1 वाट बोलते हैं। अपन बोलते हैं 20 वाट का बल्ब पे, 60 वाट का बल्ब पे, वो क्या होता है, वो वैट ही है। ठीक है, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 वैट। समझ में आ गया, यूनिट ऑफ वर्क क्या है, वर्क का यूनिट। किसी ने भी नींद में से उठा के बता भाई वर्क का यूनिट क्या है, तो आप लोगों को मालूम होगा जूल है, जूल को अपन जे से डिनोट करते हैं, जे फॉर जोकर नहीं बोलने का, इसके आगे जे फॉर जूल बोलने का। ठीक है, समझ में आ गया, यूनिट ऑफ वर्क क्या है, जूल। 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 वैट होता है। क्या हो गया, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे लोग, 1 वैट होता है। ठीक है, और 746 वैट मतलब 1 हॉर्स पावर होता है। समझ में आ रहा है क्या, 746 वैट मतलब कितना हो गया, 1 हॉर्स पावर। ठीक है, और ये पावर का यूनिट भी है, अभी पावर के 2 यूनिट है। पावर का अगर यूनिट किसी ने भी पूछ लिया आपको, यूनिट पावर का यूनिट क्या है, एक तो तुम वैट भी लिख सकते हो तो भी चलेगा, या फिर तुम हॉर्स पावर लिख दिया तो भी चलेगा। ठीक है, पावर के 2 यूनिट है, एक तो वैट भी पावर का यूनिट है, और हॉर्स पावर भी पावर का यूनिट है। समझ में आ गया, वापस बोल रहा हूँ, ये वर्क का यूनिट क्या है, जूल, जिस डिनोटेड बाय साइन जे। 1 जूल अपॉन 1 सेकंड इज इक्वल टू क्या है, 1 वैट। 1 जूल अपॉन 1 सेकंड इज इक्वल टू क्या है बच्चे लोग, 1 वैट है। और 746 वैट का मतलब होता है 1 हॉर्स पावर। 746 वाट का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, 1 हॉर्स पावर होता है। और वो हॉर्स पावर क्या होता है, अपना पावर का यूनिट होता है। जब तुम इंडस्ट्रीज में जाओगे ना, इंडस्ट्रीज में जाने के बाद पावर का यूनिट तुम किससे गिनोगे, तो हॉर्स पावर से गिनोगे। अभी अपने घर में अपन वैट से गिनते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, ओके। चलो और कुछ कन्वर्जन अपन देख लेंगे। अब 1 किलो वैट आर, समझो 1 किलो वैट आर, इसका मतलब क्या होता है, 1 किलो वैट मतलब 1 किलो वैट, 1 आर मतलब 1 आर। ठीक है,
वन के डब्ल्यू एच, के डब्ल्यू एच का मतलब के डब्ल्यू का किलो वैट, आर का मतलब घंटा ही घंटा, तो वन किलो वैट इज इक्वल टू वन आर, ऐसा अपन लिख सकते हैं इसको। अब वन किलो वैट मतलब होते हैं बच्चों हजार वैट, वन किलो वैट का मतलब क्या होता है हजार वैट। अभी एग्जाम्पल देखो ना, वन किलोग्राम, वन किलोग्राम का मतलब क्या हो गया हजार ग्राम, तो वन किलो वैट का मतलब क्या हो गया हजार वैट, बात खत्म, सही बात है ना। वन किलोग्राम का मतलब होता है हजार ग्राम, तो वन किलो वैट का मतलब क्या होगा हजार वैट, है ना। अब एक घंटा, एक घंटे में कितने सेकंड है 3600 सेकंड, कितने 3600 सेकंड्स, एक घंटे में कितने रे 3600 सेकंड्स, ये बात समझ में आ गई। मल्टीप्लाई कर दो तुमको मिलेगा 36 लाख जूल, कितना मिलेगा तुमको 36 लाख जूल। 1 किलो वैट अगर किसी ने पूछ ले, 1 किलो वैट अगर कितने जूल है, 1 किलो वैट कितने जूल है, तो वो 36 लाख जूल है। 36 लाख को मैं ऐसे भी लिख सकता 3.6 into 10 to the power 6, ठीक है, ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता, तुम कौन सा भी लिखो। अगर तुमको किसी ने भी पूछ लिया 1 किलो वैट मतलब कितने जूल है, तो ये लिखो तो भी चलेगा, नहीं तो ये लिखो तो भी चलेगा, हाथ पे लिख के जाने का नहीं, हाथ पे लिखने वाला किस्सा अलग है, ये फिलहाल इधर ही समझ लो। समझ में आ गया, ओके। अब 1 किलो वैट मतलब होता है एक यूनिट, अपन घर में जो बिजली गिनते हैं ना कि कितना यूनिट बिल आया, कितना यूनिट अपन ने कंज्यूम किया, तो 1 किलो वैट होता है 1 यूनिट, है ना, ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए, डोमेस्टिक मतलब घर में हाउस के लिए, ठीक है। अपने को अगर सपोज कितना 1 यूनिट में बिजली यूज कर रहा हूँ, मैं 1 यूनिट बिजली यूज कर रहा हूँ मतलब मैं कितना बिजली यूज कर रहा हूँ, मैं 1 किलो वैट आर बिजली यूज कर रहा हूँ, ठीक है। 1 किलो वैट आर मतलब कितना होता है 36 लाख जूल होता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। 1 यूनिट का मतलब क्या होता है 1 किलो वैट आर, समझ में आ गया, ओके। बस ये कन्वर्जन से कुछ अपने को न्यूमेरिकल्स के लगने वाले हैं, मैं एक अलग सा पार्ट भी बनाऊंगा बच्चों जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे, सॉल्व भी अलग कर दूंगा और एक्सरसाइज के पीछे के भी मैं अलग आपसे करवा के लूंगा, ठीक है बच्चे लोग। तो आज के लिए बस काफी इतना ही है, आज का चैप्टर भी अपना खत्म हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।